हेलो दोस्तों, आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज के लेक्चर में हमने पिछले लेक्चर से अगर बात करें तो हमने हिंदी व्याकरण पढ़ना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो पहले लेक्चर में हमने पढ़ी थी संज्ञा। ठीक है, संज्ञा के भेद पढ़े थे। ठीक है, कैसे पहचानेंगे, किस टाइप की संज्ञा है, ये सब भी देखा था। अब उससे आगे बढ़ते हैं और इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लिंग। ठीक, ये भी हिंदी व्याकरण का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। ठीक है, तो बात करते हैं लिंग। इंग्लिश में बोलते हैं जेंडर। ठीक, तो लिंग क्या है? कोई भी संज्ञा जो है हिंदी में, ठीक है, हिंदी में कोई भी संज्ञा या तो स्त्री जाति का या पुरुष जाति का, होने का बोध कराती है। ठीक है, इसी को हम लिंग कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? हम लिंग कहते हैं। ठीक है, जितना भी संसार में, सृष्टि में जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी जो कुछ भी है, वो या तो पुरलिंग होगा यानी पुरुष होगा, या स्त्रीलिंग होगा या स्त्री होगा। ठीक है, हिंदी में, हिंदी में केवल दो ही लिंग बताए गए हैं। ठीक है, हिंदी में कितने लिंग है? दो। जबकि संस्कृत में आपके तीन लिंग बताए गए हैं। कौन कौन से? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और एक है नपुंसक लिंग। ठीक है, नपुंसक लिंग, ये तीन संस्कृत में बताए गए हैं। लेकिन हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी में दो ही लिंग बताए गए हैं, एक आपका पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। क्लियर? एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। ठीक है, तो हम एक टाइप से और डिफाइन कर सकते हैं लिंग को। लिंग संज्ञा का वह रूप है जिससे उसका या तो स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होने का बोध होता है। ठीक है, लिंग संज्ञा का वह रूप है जिससे उसके, ठीक है, मादा या स्त्री जाति का या नर या पुरुष जाति का या पुरुष जाति का होने का बोध हो। ठीक है, बोध होता है। क्लियर, समझ गए? ठीक, तो इसको बोलते हैं हम लिंग। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके हिसाब से हमारी जो क्रिया आगे हम पढ़ेंगे, क्रिया भी चेंज होती है। ठीक है, कैसे कैसे चेंज होती है वो सब हम देखेंगे जब क्रिया पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इतना समझ लेते हैं। तो बात करें हिंदी में, तो हम हिंदी में बता दिए दो ही हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पुल्लिंग की। ठीक है, पुल्लिंग क्या है? पुल्लिंग आपका है कि संज्ञा के जिस रूप से, संज्ञा के रूप से
इसका बोध हो, पुरुष जाति का बोध हो, पुरुष जाति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, पुल्लिंग। क्लियर? ठीक, जैसे लड़का खाना खाता है, जैसे लड़का खाना खाता है, घोड़ा दौड़ता है, ठीक है, तो यहाँ पर लड़का और घोड़ा ये दोनों क्या है, पुल्लिंग है। ठीक, पुल्लिंग के केस में जब भी आपकी क्रिया में हमेशा अप्रत्यय लगा रहेगा, प्राय पुल्लिंग के साथ जो क्रिया में अप्रत्यय लगा रहेगा, और स्त्रीलिंग के साथ की। ठीक है, अगर अगर यहाँ भी होता लड़की तो खाना क्या था, खाती है, ठीक है, ऐसे अगर यहाँ घोड़ी होता घोड़ी तो दौड़ती है, इस प्रत्यय को प्रायः स्त्रीलिंग माना जाता है। ठीक है, और ई प्रत्यय को क्या माना जाता है, स्त्रीलिंग माना जाता है प्रायः। ठीक, और आ जो प्रत्यय है, प्रत्यय क्या होता है, जो शब्द के पीछे लगता है, जैसे खाना में ता, ये कौन सा प्रत्यय है, आ। ठीक, आ प्रत्यय जनरली पुल्लिंग होता है। ठीक, तो देखिए लड़का खाना खाता, आया आप प्रत्यय, दौड़ता, ठीक है, तो घोड़ा क्या हो गया, पुल्लिंग। ठीक है, अब ऐसे ही स्त्रीलिंग की परिभाषा देखते हैं, उसके एग्जाम्पल देखते हैं। स्त्रीलिंग, ठीक, तो ये भी क्या हो जाएगा, संज्ञा का वह रूप जिसके द्वारा क्या हो, स्त्री जाति का बोध हो, स्त्री जाति का बोध हो क्या कहलाता है, स्त्रीलिंग। ठीक, क्लियर? उदाहरण अगर इसका देखें तो, ठीक, इसका क्या हो जाएगा उदाहरण, जैसे राधा गाती है। देखिए यहाँ क्या आया, ई प्रत्यय आया, मैंने बताया था ई प्रत्यय जनरली होता है, तो राधा क्या हो गए, स्त्रीलिंग। और सिमिलरली जैसे पुस्तक अच्छी है, ठीक, तो यहाँ भी क्या है, ई प्रत्यय, पुस्तक आपकी क्या हो गई, स्त्रीलिंग। ठीक है, तो यहाँ राधा और पुस्तक स्त्रीलिंग हो गई। तो एक सामान्यता अगर हम नियम देखें तो हम कह सकते हैं, सामान्यतः अप्रत्यय पुल्लिंग और ई प्रत्यय जो है, ई प्रत्यय क्या होगा, स्त्रीलिंग होता है। क्लियर? ठीक, ये आपका एक जनरलाइज रूल हो गया, हमेशा नहीं होता लेकिन मुख्यतः सामान्यतः ये होता है। ठीक है, अगर लिंग आप शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो लिंग का शाब्दिक अर्थ होती है पहचान या निशान या चिन्ह, ठीक, या जाति, इसी को बोलते हैं जाति। ठीक, जाति में कौन कौन सी हो सकती है, हिंदी में या तो पुरुष या स्त्री। ठीक, तो पुरुष वाला पुल्लिंग और स्त्री वाला स्त्रीलिंग। ठीक, अब हमने समझ लिया पुल्लिंग स्त्रीलिंग क्या है। ठीक,
लेकिन अब हम कोई शब्द है उसकी कैसे पहचान करेंगे कि ये पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग, मतलब कोई संज्ञा है तो कैसे पहचान करेंगे कि पुल्लिंग संज्ञा है या स्त्रीलिंग संज्ञा है ये, ठीक है। तो इसके बहुत ज्यादा व्यापक नियम तो नहीं है, लेकिन कुछ मुख्यतः नियम है, उनको हम ध्यान में रखेंगे तो पहचान कर सकते हैं, ठीक है। तो शब्दों में स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग की पहचान, करना ठीक कैसे करेंगे। तो मैंने पहले ही बताया था कि हिंदी भाषा में जो है ना, हिंदी भाषा ऐसी भाषा है जिस हिंदी भाषा में सृष्टि में जितने भी, ठीक है, सृष्टि में समस्त पदार्थों को, कितने भागों में बांटा है, समस्त पदार्थों को दो भागों में, दो लिंगों में बांटा है, कौन कौन से, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ठीक है, दो लिंगों में बांटा है। दुनिया में जितनी भी चीजें एग्जिस्ट कर रही है, हिंदी भाषा क्या कहती है, या तो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, ठीक है। ठीक, तो अब इसको पहचानने के लिए अगर हम सजीवों की बात करें, सजीवों को पहचानने में आसानी होती है, पहचानने में कोई दिक्कत नहीं होती स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, तो सजीवों को पहचानने में सरलता होती है, ठीक, सरलता। लेकिन जो निर्जीव हैं, ठीक है, उनका लिंग निर्धारण में, उनका लिंग निर्धारण में क्या होती है, कठिनाई होती है, तो भाई कुछ कुछ नियम है वो याद रखेंगे तो हम उसको भी आसानी से पता कर सकते हैं जो निर्जीव वस्तु है कि कौन सा लिंग हिंदी भाषा में होगा इनका, ठीक है। ठीक है, तो मैंने पहले ही बताया जैसे कि हिंदी भाषा में लिंग निर्धारण का, लिंग निर्धारण का कोई ऐसा नियम थंब रूल नहीं है कि एक ही रूल हो गया और पता चल गया है, लिंग निर्धारण का कोई का कोई व्यापक नियम नहीं है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण नियम निम्न है, कुछ महत्वपूर्ण नियम निम्न हैं, क्लियर। तो पहला नियम अगर हम देखें क्या है, जो संस्कृत भाषा से शब्द लिए गए हैं, संस्कृत भाषा के पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, ठीक है, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग शब्द प्रायः हिंदी में क्या माने गए हैं, पुल्लिंग माने गए हैं, ठीक है, पुल्लिंग माने गए हैं तथा जो संस्कृत में स्त्रीलिंग शब्द हैं, शब्द प्रायः, हमेशा कुछ अपवाद भी होंगे इसके, प्रायः हिंदी में स्त्रीलिंग माने गए, ठीक, ये एक नियम हो गया। जैसे उदाहरण
जैसे जैसे बात करें तो जैसे तन मन धन, ठीक है, देश जगत, ये सब पुल्लिंग, और जैसे सुंदरता, ठीक है, आशा, लता, ठीक, आशा, लता, दिशा, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग, ठीक है। तो ये पहला नियम हो गया। दूसरा, अगर बात करें, पहला नियम क्या हो गया, संस्कृत के जो भी पुल्लिंग और नपुंसक लिंग है वो हिंदी में प्रायः जो प्रयुक्त होते हैं उनको पुल्लिंग माना गया है, और जो संस्कृत के आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं जो हिंदी में प्रयोग होते हैं उनको हम स्त्रीलिंग मानते हैं, ठीक है। दूसरा है, जिन शब्दों के अंत में, ठीक है, जिन शब्दों के अंत में आ, ठीक, आओ, ठीक है, पा, पन, पा, पन और ना, ना, प्रत्यय, प्रत्यय मतलब पीछे लगने वाले शब्द के, प्रत्यय हो, तो वे शब्द प्रायः क्या माने गए? पुल्लिंग। पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। ऐसे शब्द जिनके अंत में आप्रत्यय, आवप्रत्यय, पाप्रत्यय, पन प्रत्यय और ना प्रत्यय हो, ऐसे शब्द पुल्लिंग माने गए हैं। उदाहरण, जैसे उदाहरण जैसे मोटा, ठीक, पड़ाव, ठीक है, मोटा में क्या है? अप्रत्यय, पड़ाव में आओ प्रत्यय, ठीक है। और सब जैसे बुढ़ापा, बुढ़ापा में क्या है? पा प्रत्यय, ठीक है। जैसे बचपन, पन प्रत्यय, और भी हैं जैसे लेन देन, लेन देन में क्या है? ना प्रत्यय। तो ये सब पुल्लिंग माने गए हैं, ठीक है। जैसे शब्द में अगर प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? बुढ़ापा, बहुत दुखदाई होता है। तो देखिए यहाँ क्या आया? होता है, पुल्लिंग की क्रिया आई है, ठीक है, बुढ़ापा। तो बुढ़ापा क्या हो गया? पुल्लिंग। नहीं तो क्या आता? आ की जगह यहाँ क्या आना चाहिए था? ई प्रत्यय आना चाहिए था यहाँ, अगर स्त्रीलिंग होता तो ये पुल्लिंग है ना, ठीक है। तो ठीक, ऐसे ही आपका बचपन, बचपन बहुत अच्छा होता है, ठीक है, बचपन बहुत अच्छा होता है। तो बूढ़े हो जाते तो लगता है बचपन बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो यहाँ भी बचपन के साथ पुल्लिंग की क्रिया आई है, देखिए होता आया है, आया है यहाँ प्रत्यय, ठीक है। तो ये भी आपका पुल्लिंग हो गया। तो इस जो भी प्रत्यय, ये प्रत्यय अगर किस शब्द में आते हैं तो वो सब क्या है? पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछ लेता है, चार ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कि कौन सा पुल्लिंग है या कौन सा स्त्रीलिंग है, ठीक है। तीसरा नियम देखते हैं, ठीक जिन शब्दों में आई, ठीक है, जिन शब्दों में
आई, ठीक है, वट और हट। आई वट हट प्रत्यय हो, वो क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं, वो स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। जैसे सिलाई, ठीक है, बुनाई, ठीक कटाई, लिखावट, घबराहट, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक, सिलाई के साथ क्या आता है, सिलाई अच्छी नहीं की, अच्छा नहीं आता उसके साथ। सिलाई के साथ क्या आएगा, कभी आप बोलोगे कि सिलाई अच्छी नहीं की, ठीक है, या अच्छी सिलाई करना, तो हमेशा इसके साथ क्या आएगा, की प्रत्यय वाला आएगा, स्त्रीलिंग होगा। बुनाई के लिए भी वही आएगा, कटाई के लिए वही आएगा। जैसे राम की लिखावट अच्छी नहीं है, राम की लिखावट अच्छी नहीं है, लिखावट के लिए आया है एडजेक्टिव, इसका कौन सा रूप आया है, स्त्रीलिंग वाला, ठीक है, तो लिखावट भी क्या हो गया, स्त्रीलिंग। ऐसे घबराहट, मुझे घबराहट हो रही है, मुझे घबराहट हो रही है, देखिए रही है आया है घबराहट के साथ, तो स्त्रीलिंग की क्रिया आई है, तो ये भी क्या होगा, स्त्रीलिंग। समझ गए, आई वट और हट प्रत्यय के जो शब्द हैं वो प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं, समझ गए। आगे चलें, चलिए चौथा नंबर, चौथा नंबर, महीनों, महीनों, ग्रहों, ग्रहों, दिनों, ठीक है, और पर्वतों, और पर्वतों के नाम प्रायः क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। दिनों के नाम, महीनों के नाम, पर्वतों के नाम और ग्रहों के नाम पुल्लिंग होते हैं। इसमें जैसे उदाहरण, महीनों के नाम जैसे चैत्र, वैशाख, सोमवार, मंगलवार था, बोलते हैं मंगलवार थी नहीं बोलते हैं, कल मंगलवार था, ठीक है। जैसे ग्रहों में आ जाओ, ग्रहों में क्या है, राहु, केतु, हिंदी वाले ग्रह, ठीक, आदि, पर्वत में हिमालय, हिमालय बहुत बड़ा है, बड़ी है नहीं बोलते हैं, ठीक है, तो क्या है ये सब, पुल्लिंग, ठीक। इसका एक ही अपवाद है, ग्रहों में अगर बात करें, पृथ्वी स्त्रीलिंग है, तो ये आप याद रखिएगा, हो सकता है पृथ्वी पूछ ले, ठीक, क्लियर। चलिए आगे चलते हैं, पांचवा नंबर, ठीक, पांचवा नंबर क्या है भाई, नदियों के नाम, तिथियों के नाम,
ठीक है, वहां क्या था, पर्वतों के, यहाँ नदियों, तिथियों, और नक्षत्रों, नक्षत्रों के नाम प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। इसके नदियों के नाम, तिथियों के नाम और नक्षत्रों के नाम, जैसे गंगा, यमुना, तिथिया, तिथिया ठीक, क्या होती है हिंदी में, द्वितीया, द्वितीया तृतीय, तृतीया एकादशी, ऐसे होता है ना, पूर्णमासी, ये सब स्त्रीलिंग होते हैं। नक्षत्र में जैसे आपका रोहिणी नक्षत्र, ठीक है, ये भी क्या है, स्त्रीलिंग। अश्विनी नक्षत्र होता है, ठीक। तो ये सब जो है आपके स्त्रीलिंग है, जैसे गंगा पवित्र नदी है, ठीक है, गंगा माँ बोलते हैं ना, इसलिए गंगा पिता नहीं बोलते हैं कभी, क्योंकि गंगा, ये नदियों के नाम हमारे क्या हैं, स्त्रीलिंग है, ठीक। उसके बाद 6 नंबर, अगला चलते हैं। 6 नंबर क्या है, जो संस्कृत के सारांश, उकारांश बोलोगे सर, ये उकारांश क्या है, और उकारांश शब्द प्रायः क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, उकारांत, ये सब बता देते, उकारांत, ठीक है। उकारांत मतलब होता है कि अंत में, आरांत हो रहा, आरांत मतलब अंत में, किसी शब्द के अंत में बड़ा उ की मात्रा हो उसको बोलते हैं उकारांत, किसी शब्द के अंत में छोटा हुआ तो हो जाएगा उकारांत, ठीक है। जैसे प्रभु, प्रभु देखो बड़ा उ का मात्रा है तो ये उकारांत है, उ शब्द के अंत में आ रहा है उकारांत का मतलब, ठीक है। जंतु, ये उकारांत है, ठीक, छोटा उ है। तो ये सब क्या है, पुल्लिंग है, ठीक है, ये क्या है, पुल्लिंग है। उसके बाद सातवां, आकारांत, आकारांत और नकारांत, ठीक है, नकारांत, अकारांत और नकारांत, ये क्या है, स्त्रीलिंग होते हैं। ये शब्द जो हैं स्त्रीलिंग होते हैं, क्या होते हैं भाई, स्त्रीलिंग होते हैं, ठीक है। आकारांत मतलब बड़ा आएगा शब्द के अंत में, नकारांत का मतलब बड़ा ना आएगा शब्द के अंत में, जैसे माया, क्या रहा, आ, ये क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग। दया, कृपा, ठीक है, प्रार्थना, ये आ गया नकारांत, ठीक है, वेदना, नकारांत आ गया, ये सब क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग। तो इनका प्रयोग हमेशा स्त्रीलिंग की भांति होगा, ठीक। 8वां नियम पढ़ते हैं भाई, ठीक है। मैंने जो पहले बताया था कि संस्कृत की कुछ, जो संस्कृत में प्रायः पुल्लिंग और नपुंसकलिंग है वो हिंदी में प्रयोग होते हैं, तो उनको पुल्लिंग मानते हैं, लेकिन ये नियम उसका अपवाद है। कुछ शब्द संस्कृत में, संस्कृत में पुल्लिंग
और नपुंसकलिंग। ठीक है, संस्कृत में पुल्लिंग और नपुंसकलिंग, हिंदी में स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं, स्त्रीलिंग के रूप में प्रयुक्त होते हैं। ये पहले नियम का अपवाद है, ठीक है, जो मैंने बताया था। जैसे अग्नि, अग्नि जो है वो संस्कृत में नपुंसकलिंग है, लेकिन हिंदी में स्त्रीलिंग है। ठीक है, आत्मा, वायु, संतान, ये सब स्त्रीलिंग है हिंदी में। क्लियर? चलिए अगला, 9 नंबर। मैंने पढ़ाया था द्रव्यवाचक संज्ञा। तो जो द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं, द्रव्यवाचक संज्ञाएं प्रायः उक्ता पुल्लिंग होती हैं। मैंने बताया था द्रव्यवाचक संज्ञा क्या है, जो द्रव्य को निरूपित करती हैं, जिनका माप किया जा सकता है, प्रायः पुल्लिंग होते हैं या होती हैं। जैसे दूध, घी, लोहा, लोहा, तांबा, ये सब क्या है, पुल्लिंग। बोला दूध अच्छा है, अच्छी है नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दूध अच्छा है। ठीक है, देखो पुल्लिंग की भांति प्रयोग हुआ है। घी अच्छा है, अच्छी है नहीं बोलते हैं, सॉरी अच्छा है। ठीक है, दही, दही जमा दो, दही। ठीक है, दही बोलते हैं, खट्टा है। ठीक, खट्टी है नहीं बोलते हैं, खट्टी है, अशुद्ध है। अगर आपको शुद्ध वाक्य शुद्ध में कभी लिख दे कि दही खट्टी है, तो ये क्या है, अशुद्ध है। यहाँ क्या आएगा, खट्टा है। अभी हम वाक्य शुद्धि पढ़ेंगे तब ये चीज पढ़ेंगे। तो ये सारे नियम वहाँ एक साथ अप्लाई होते हैं, पूरे व्याकरण के नियम अप्लाई होते हैं जब हम वाक्य शुद्धि या पढ़ते हैं। ठीक है, अब लास्ट नियम है इसका, 10 नंबर। भाषा, बोली और लिपि के नाम क्या होते हैं, प्रायः स्त्रीलिंग होते हैं। प्रायः क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे हिंदी, हिंदी बहुत अच्छी भाषा है, अच्छा भाषा है नहीं बोलते हैं, हिंदी बहुत अच्छी भाषा है। अंग्रेजी, मराठी, ठीक है, देवनागरी, ये सब क्या हो जाएंगी, स्त्रीलिंग। ठीक है, इस प्रकार से आप इन नियमों को देखते हुए पहचान सकते हैं, कोई आपको शब्द दे दी जाए, कोई संज्ञा दे दी जाए कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, और हिंदी में दो ही लिंग बताए गए हैं। ठीक है, पहचान लेंगे आप, क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। ठीक, क्वेश्चन में एक शब्द दे दिया जाएगा तब पहचान करवाएंगे, या 4 शब्द दे दिए जाएंगे उनमें से एक पहचान करवाएंगे कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, अब आते हैं कि पुल्लिंग से अगर स्त्रीलिंग बनाना हो शब्द को, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, बनाने के नियम कुछ
कुछ शब्द पुल्लिंग होते हैं, उनमें कुछ कुछ चेंज करेंगे तो स्त्रीलिंग बन जाते हैं, ठीक है। हम भाषा में चेंज करते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, डॉक्टर साहब सर्जरी करके लिंग चेंज कर देते हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना देते हैं, स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बना देते हैं। हम लोग भाषा की सर्जरी करके पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बना देंगे, ठीक है। तो भाषा की सर्जरी क्या क्या करते हैं, जैसे पहला जो नियम है अकारांत तथा आकारांत, ठीक है। अकारांत का मतलब छोटा आ होगा अंत में, और आकारांत का मतलब बड़ा आ होगा अंत में, ठीक है। पुल्लिंग शब्दों, अगर ये पुल्लिंग शब्द हैं को इकारांत करने पर, ठीक है, अगर ये दोनों पुल्लिंग है तो लास्ट में अगर ई लगा दो आप, ये दोनों हटा के इकारांत कर दो उसको, इकारांत कर देने पर स्त्रीलिंग बन जाते हैं। तो ये पहली सर्जरी है, स्त्रीलिंग बन जाते हैं। ये भाषा की सर्जरी है, मेडिकल की सर्जरी से भी बन जाते हैं, ठीक है। हम लोग भाषा की सर्जरी कर रहे हैं, है ना। तो देखते हैं कैसे, जैसे जैसे लड़का, तो लड़का में देखिए बड़ा आया, तो ये अकारांत पुल्लिंग है, इसको इकारांत बनाना है, तो आ को किस में चेंज करना है, ई में, क्या हो जाएगा, लड़की, ठीक। तो ये आपका स्त्रीलिंग हो गया, समझ गया ना। तो अकारांत, अकारांत को इकारांत में अगर आप चेंज कर देंगे तो आपका पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। जैसे आपका नाना, इसमें भी क्या है, बड़ा आ है तो आकारांत हो गया, इसको चेंज कर दीजिए, क्या हो जाएगा, नानी, आपने इसको इकारांत कर दिया तो स्त्रीलिंग बन गया, ठीक। क्लियर, ये पहली सर्जरी, ठीक। जैसे मोटा, क्या हो जाएगा इसका, मोटी, आपने अकारांत था तो क्या कर दिया, इकारांत, ठीक है। दूसरा सर्जरी का नियम, दूसरा सर्जिकल टूल, ठीक है। दूसरा सर्जिकल टूल क्या कहता है भाई, दूसरा कहता है कि आ प्रत्यय, अगर ऐसे पुल्लिंग शब्द हैं जिनमें आ प्रत्यय आ रहा है, मतलब आकारांत है, तो आ प्रत्यय की जगह क्या कर दें, इया प्रत्यय, आ प्रत्यय की जगह इया प्रत्यय लगाने से शब्द स्त्रीलिंग में बदल जाता है, स्त्रीलिंग हो जाता है। जैसे ये दूसरा सर्जिकल टूल था, जैसे कुत्ता, इसका क्या हो जाएगा, कुतिया, ठीक। जैसे बूढ़ा, जैसे बूढ़ा क्या हो जाएगा, बुढ़िया, ठीक है। इया प्रत्यय लगा दिया है, इसमें भी हमने क्या किया, इया प्रत्यय। जैसे लोटा, क्या हो जाएगा, लुटिया, ठीक। इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। चलिए और आगे चलते हैं, तीसरा सर्जिकल टूल देखते हैं, ठीक। तीसरा क्या है, कुछ शब्द हैं जैसे व्यव, व्यवसाय, बोधक शब्द या जाति बोधक शब्द, जाति बोधक शब्द,
या उपनाम, ठीक है, उपनाम वाचक शब्द, ठीक है, शब्दों, ऐसे शब्द अगर पुल्लिंग है तो इनके क्या करते हैं, इन शब्दों के अंतिम स्वर, अंतिम स्वर, इन शब्द के पीछे लास्ट में जो स्वर होता है, अंतिम स्वर का लोप कर देते हैं, लोप करके, ठीक है, उनमें जो बचेगा, लोप करने के बाद जो बचेगा उनमें इन और, इन और आइन, ठीक है, इन और आइन प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है, शब्द के पीछे लगने वाला, प्रत्यय लगाने से स्त्रीलिंग बन जाता है, स्त्रीलिंग बन जाता है, ऐसा शब्द अगर वो व्यवसाय बोधक है, जाति बोधक है और नाम बोधक है और वो पुल्लिंग है, तो उन शब्दों का अंतिम स्वर को हटा दीजिए, लोप कर दीजिए और उसके बाद इन या आइन प्रत्यय लगा दीजिए तो वो स्त्रीलिंग बन जाता है, ये तीसरा सर्जिकल टूल, ठीक है, जैसे जैसे धोबी, तो धोबी क्या है, जाति बोधक शब्द है, ठीक है, तो इसमें देखिए अंत वाला स्वर क्या है, इसमें दीर्घ ई, तो इसको हटा दीजिए तो क्या बन जाएगा, धोब, और साथ में क्या जोड़ना है, इन, क्या हो जाएगा, धोबिन, धोबिन, ये बन गया स्त्रीलिंग, ठीक, ऐसे ही आपका कहार, ठीक है, तो कहार में भी आ शब्द है, आ का लोप कर दीजिए क्या, और इसमें इन जोड़ दिए जो क्या हो जाएगा, कहारिन, ठीक है, तो इस तरीके से आप तीसरा टूल प्रयोग कर सकते हैं जब आपको क्या करना हो, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना हो। चौथा टूल देखते हैं, चौथा सर्जिकल टूल, चौथा सर्जिकल टूल, ठीक है, उपनामवाची, उपनामवाची पुल्लिंग शब्द, ठीक है, उपनामवाची पुल्लिंग शब्द में आनी लगाने से, मैं आनी प्रत्यय, ठीक है, मैं आनी प्रत्यय लगाने से स्त्रीलिंग बन जाते हैं, स्त्रीलिंग बन जाते हैं, ऐसे शब्द शब्दों में कर लीजिए, यहाँ तो ऊपर जा नहीं रहा, कुछ टेक्निकल इशू है, शब्दों में कर लीजिए, पुल्लिंग शब्दों, क्योंकि जाते हैं लिख दिया मैंने, ठीक है, उदाहरण जैसे जैसे भाई, जैसे सेठ, क्या हो जाएगा, सेठानी, आनी लग गया, आनी प्रत्यय, ठीक, तो ये बन गया स्त्रीलिंग, क्लियर ना, समझ में आ रहा है, ठीक, चलिए पांचवा सर्जिकल टूल देखते हैं, पांचवा सर्जिकल टूल, पांचवा सर्जिकल टूल आपका देखते हैं क्या कहता है ये, यदि ऐसा पुल्लिंग शब्द हो जो जातिवाचक संज्ञा हो या भाववाचक संज्ञा, यदि पुल्लिंग शब्द क्या हो, जातिवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा हो, भाववाचक संज्ञा हो, तो भाई क्या करेंगे, अगर ऐसा हो और इसको स्त्रीलिंग बनाना हो
यदि शब्द के अंत में, शब्द के अंत में क्या हो, दीर्घ स्वर हो, ठीक है, स्वर अंत में स्वर दीर्घ हो, जो भी स्वर हो अगर वो दीर्घ है तो उस दीर्घ स्वर को क्या कर देंगे, ह्रस्व स्वर में बदल देंगे, उस दीर्घ स्वर को ह्रस्व स्वर में बदल देंगे, बदल देने ठीक है, उसको ह्रस्व स्वर में बदल देंगे, बदल देने के साथ ही क्या कर दें, नी प्रत्यय लगा दें, तो स्त्रीलिंग बन जाएगा। ठीक है, इसको समझते हैं कि क्या लिखा है ये, ठीक है, उदाहरण करके समझते हैं, उदाहरण करके इसको समझते हैं, तब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उदाहरण करके समझते, उदाहरण ने क्या बोला कि ऐसा पुल्लिंग शब्द जो जातिवाचक या भाववाचक संज्ञा हो, ठीक है, जैसे आपका ऊंट, तो ये आपका क्या हो गया, ऊंट क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा। अब इसमें बोला कि अगर अंत में दीर्घ स्वर हो तो उसको ह्रस्व कर दो, तो यहाँ तो ह्रस्व स्वर ही है, छोटा है तो कुछ नहीं करना है, और साथ में क्या कर दो, नी प्रत्यय लगा दो। अगर इसमें नी प्रत्यय लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, ऊंटनी, ये हो गया आपका स्त्रीलिंग। ठीक है, अब जैसे हाथी, तो देखिए यहाँ शब्द की ये क्या है आपका, वो संज्ञा है, तो इसमें आपने जो अंत में दीर्घ स्वर आया है इसको लघु स्वर में या ह्रस्व स्वर में बदलना है, तो दीर्घ स्वर आपका ई है तो इसको बदलना है आपको ई में, तो यहाँ आप कर लीजिए इसको बदल के, पहले एक स्टेप ये हो गया, हाँ हथी, ठीक है, और साथ में नी प्रत्यय लगा दो, तो नी प्रत्यय तो क्या हो जाएगा, हथनी, ठीक है, हाथी के क्या हो जाएगा, हथनी। ठीक, इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपका है छठवां, सिक्स नंबर का सर्जिकल टूल। ठीक है, अगर आपके पुल्लिंग शब्द में वान और मान क्या हो, आए, तो क्रमशः वान को क्या कर दें, वती, ठीक है, और मान को मती, तो स्त्रीलिंग बन जाता है, तो स्त्रीलिंग बन जाता है। ठीक है, वान को वती और मान को मती, जैसे स्त्री मान, मान आया है पुल्लिंग है, इसको कर दो आप श्री मती, मान को आपने मती कर दिया तो ये स्त्रीलिंग बन गया। क्लियर, ठीक है, जैसे बलवान, वान आया है तो वान को क्या करना है, बलवती, तो ये हो गया स्त्रीलिंग। क्लियर, तो वान और मान आए तो उनको वती और मती में चेंज कर देना है। ठीक है, सातवें नंबर का सर्जिकल टूल, सात में क्या है, जो अकारांत हैं, अकारांत शब्द हैं, ठीक है, के अंत में क्या करना है, आ लगाने से स्त्रीलिंग बन जाता, आ लगाने से स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे जैसे आपका
आम, ठीक है। तो अकारांत है, इसको बड़ा आ कर दो, श्यामा। ये देखो ये हो गया स्त्रीलिंग, क्लियर। अब है आपका लास्ट 8 नंबर, और इसी के साथ हम लिंग खत्म करेंगे। लास्ट पढ़ लेते हैं, और ठीक हैंग कर गया, ये भी बोल रहा कि बंद कर दो अब, ठीक है। 8 नंबर, जो पुल्लिंग शब्द हैं, पुल्लिंग शब्दों के क्या हक को किसमें बदलना है? इका में, इका में बदलने से स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे क्या है भाई, पुल्लिंग शब्द में अगर अक है तो उसको इका में बदल दीजिए तो वो स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जैसे सेवक, तो इसको इका में बदल दो तो क्या हो जाएगा? सेविका, ठीक है। जैसे बालक, इसमें भी क्या है अक, इसको इका में बदल दो तो क्या हो जाएगा? बालिका, इका, ठीक। तो ये आपके स्त्रीलिंग में बदल गए, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा लिंग वाला जो चैप्टर था वो खत्म हो गया। कोई डाउट रह गया हो, कोई क्वेश्चन बच गया हो माइंड में, नहीं समझ में आया हो, पूछिए। इसका पीडीएफ ले चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक है t. शायद मी, उसके बाद स्लैश या जो भी लगा रहता है, विभव हिंदी, विभव हिंदी, ये डालेंगे टेलीग्राम को, जो स्टैंडर्ड वो रहता है, उसके बाद विभव हिंदी अगर आप डालेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा मेरा, ठीक है। वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएंगी सारे लेक्चर की, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। इस लेक्चर को लाइक कर दीजिए, इतनी मेहनत करवाते हो लाइक भी नहीं करते हो, लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए यार दोस्तों के साथ, ठीक है। आपसे मैं क्या इनपुट ले रहा हूँ, यही तो इनपुट ले रहा हूँ कि लाइक करते रहिए, कमेंट करते रहिए और शेयर करते रहिए, और तो कुछ मांग नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो इतना तो कर ही सकते हैं ना, चलिए ठीक है। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो आप कमेंट पर जरूर बताएं, और समझ में आ गया तो भी बताएं। मैं देखता हूँ कि कुछ बच्चे बोलते ही नहीं, कुछ भी नहीं बोलते हैं, मुझे भी नहीं पता चलता कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया, क्लियरली बताएं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।